गाइस अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस है तो उसमें जो है न्यू अपडेट आ चुका है ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 3 डिवाइस में ही आपको ऑक्सीजन ओएस 14 जो है देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो दे ही चुका था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि टेस्टिंग बीटा पे मैं जो है इस अपडेट को इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो क्या यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट आया है इसे भी अपडेट करना होगा। सो यही चीज लेके जो है काफी ज्यादा जो है डाउट पे है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, सो इसलिए मैं मुझे जो ये वीडियो लाना पड़ा। देखो वन प्लस का 11 हो गया, वन प्लस 11R हो गया एंड वन प्लस नोड 3 हो गया, ये 3 डिवाइस में आपको जो है अभी जो है लगभग अभी जो है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन देखने को मिलेगा। जैसे कि 1 मंथ पहले इस अपडेट को यहाँ पे रिलीज कर चुका था ये सब तीनों डिवाइस में टेस्टिंग बीटा पे, ओके सिर्फ और सिर्फ 500 डिवाइस में ही रिलीज किया था। कोई भी अपडेट आने से पहले क्या करता है कंपनी, उस चीज को यहाँ पे जो है टेस्टिंग पे अपलोड करता है, रिलीज करता है, लोगों का फीडबैक लेता है कि क्या ये अपडेट पे कोई प्रॉब्लम है या फिर सही है। अगर प्रॉब्लम रहा तो उस चीज को एडिट कर देता है एंड सही से वो ऑफिशियल पे अपडेट करता है। सो इसी तरह से क्या हुआ कि ये अपडेट को रिलीज किया गया था ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन ये 3 डिवाइस में, वन प्लस 11 में, वन प्लस 11R पे एंड वन प्लस नोट 3 पे। सो जैसे ही टेस्टिंग बीटा वो कंफर्म हो चुका है, काफी ज्यादा लोग जो है फीडबैक दे चुके हैं कि ये अभी जो है सही है एंड कुछ कुछ फीचर्स उस पे ऐड किया गया, कुछ कुछ फीचर्स उसे रिमूव किया गया। सो फाइनली वो उसमें जो है क्या किया कि ऑफिशियल अपडेट जो है वो रिलीज कर चुका है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पास जो है ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे पहले नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग भी आया था और उस चीज को मैं अपडेट कर चुका था एंड अभी जो है ऑफिशियल अपडेट जो आ रहा है ऑक्सीजन ओएस 14 का, क्या मुझे फिर से अपडेट करना होगा? सो जी गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ही अगर आप जो है अपडेट यहाँ पे कर लिए थे सो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एमबी का फिर से यहाँ पे एक कंफर्म वाला अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। ओके आपके फोन के सेटिंग पे आना है, अबाउट पे आना है, अबाउट पे जैसे जाओगे वहां पे देखने को मिल जाएगा। एक बार क्या करना, अपने फोन को एक बार रिबूट यानी रीस्टार्ट जरूर कर लेना अगर आप ये अपडेट कर चुके हैं तो। अपडेट को यहाँ पे करने के बाद फोन को अगर आप एक बार रिबूट या फिर रीस्टार्ट अगर आप कर लोगे सो यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट आया है रिलीज किया गया है सो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ एमबी का अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सो उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके कुछ कुछ डिवाइस में हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ चेंज यहाँ पे किया है इस अपडेट में, इसलिए हो सकता है कि ये अपडेट ऑफिशियल अपडेट जो आया है वहां पे कुछ एमबी का आपको देखने को मिले। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अपडेट वो कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको देखने को ना मिले तो आपको बिंदास रहना है। अगर आप यही सोच रहे थे कि टेस्ट वर्जन जो है वो मैं कर चुका था इंस्टॉल एंड ऑफिशियल अपडेट जो है अभी आया है, क्या इसे फिर से मुझे जो है मिलेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप इंस्टॉल कर चुके हैं सो काम बन जाएगा। ओके हो सकता है कि यहाँ पे आपके डिवाइस में देखने को मिले कुछ एमबी का, क्योंकि इसमें चेंजेस किया गया है, सो अगर देखने को मिला है तो इंस्टॉल कर लेना है। सो आई होप कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो गाइस काफी ज्यादा लोग मैसेज कर रहे थे इसलिए ये वीडियो लेके आया। आपके पास वन प्लस का कोई सा भी डिवाइस है एंड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है एंड कोई सा भी अपडेट के बारे में जानना है सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। जैसे कि इस फोन पे न्यू अपडेट आया है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे ही चुका हूँ। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपका यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सो आप कमेंट कर सकते हैं।